बकरीद का पर्व पूरे जिले सादगी और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की। पर्व को देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस के अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि कहीं कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। वहीं दूसरी ओर सांसद अवधेश प्रसाद, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, आईजी रेंज प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर ने सभी को बकरीद की बधाई दी है, साथ शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाने की अपील की है। के मौके पर सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं सुल्तान अंसारी, पार्षद अभिराम दास वार्ड, मैं अपने मुल्क के सभी हिंदू मुस्लिम भाई को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इस ईद उल अज़हा के मौके पे हम सभी लोग इस बात का प्रण लें कि आपस में मिलजुल कर हमेशा रहेंगे और देश की खुशहाली के लिए हमेशा काम करेंगे और तरक्की देश में करने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि अयोध्या है, यहाँ से क्या संदेश देंगे धरती से? अयोध्या की धरती से जो कि हमेशा एक संदेश गया है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और भाईचारा हमेशा कायम रखें। क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान अंसारी, पार्षद अभिराम दास वार्ड। चल रही है, जगह पर संपन्न हो गई है, कुछ जगह पे अच्छी हुई है, वो भी चल रही है। सभी जगह पर लोगों ने गंगा जल की तहजीब से और सांप्रदायिक सद्भाव से अपने पर्व को मनाया है, जिसमें आगे कुर्बानियाँ दी जाती है। उसके लिए जो स्थापित नियम है, कोई गैर परंपरागत स्थान न हो और जो नियम संगत हो, उसको लेकर के सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं। सभी संभाग लोगों से, मौजूद लोगों से वार्ताएँ हुई हैं और कार्रवाई को करेंगे। कल जो अंतिम मंगल है ज्येष्ठ मास का, उसके लिए भी बहुत तैयारियाँ की गई हैं और हम लोग सभी व्यवस्था खुश हैं। रेंज में नमाज अदा हो रही है तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तरह नीति? रेंज में सभी जनपदों के मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मी हमारे लगातार नंबरशील हैं और जो हमारे विशेष पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे संभाग लोग हैं, वो लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और हम लोग आश्वस्त हैं कि आज पूरे दिन सभी कार्रवाई पर होगी। भीषण गर्मी को लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है उसको भी बताया जा रहा है ताकि लोगों के जीवन की रक्षा भी रहे, उनकी सुरक्षा भी रहे और अपने अकीदत के साथ पर्व को बनाए। से हो रही है और हम लोगों ने नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टर दोनों मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की है और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट हमारे सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से जगह बनाया जा रहा है। क्या संदेश देंगे लोगों से, क्या करेंगे? अपील है कि हमारे यहाँ जनपद अयोध्या में गंभीर संस्कृति रही है और हमेशा त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता रहा है और इस बार भी ऐसा ही होगा और सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। गाँव पे जहाँ जहाँ पे नमाज होती है वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। सभी थानों पे पूर्व में ही पीस कमेटी की बैठक करके जो भी संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जिन जिन बिंदुओं पे प्रशासन के द्वारा एक्शन रिक्वायर्ड था उसके बारे में उनके द्वारा अवगत करवाया गया था। हमने उनके जो भी नियम हैं उससे अवगत करवा दिया गया था, जिसके क्रम में पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज़ लगाई गई थी और नमाज सर कल के दृष्टिगत जहाँ जहाँ पे हमारे जनपद में भंडारे होते हैं, विशेष करके इस क्षेत्र में हमारे कोतवाली नगर के क्षेत्र में बात करें तो 22 जगहों पे भंडारे होते हैं। उन सब जगहों पे जो भी लोग हैं जो आकर के वहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं, भंडारा के बाद जो हमारा डिस्पोजल है, जो पत्तल है, उनको उठाने की व्यवस्था एवं वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टिगत सभी स्टेक होल्डर से बैठक करके ऑलरेडी सब इन लोगों पर वार्ता हो गई, तैयारी है। शानदार त्यौहार पर सभी नगरवासियों को और सभी प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और सबका खैर मकदम करता हूँ। ये त्यौहार आपसदारी, भाईचारा का पैगाम लेकर आता है और उसी अंदाज से आज पूरे देश में ये त्यौहार हमने और सब ने मनाया है और आने वाले दिनों में आपसदारी और भाईचारा का जो पैगाम है इससे खुशहाली रहेगी, आपसदारी रहेगी और भाईचारा रहेगा।